एक खुले मकाम पर तमाम सिपाही जमा थे। उनके इतराफ़ दूर दूर तक खेमे तने हुए थे। तमाम सिपाही मुदब होकर बैठे थे। आज हफ्तावार वांस का दिन था। चंद लम्हों बाद एक बुज़ुर्ग मिंबर की सिमत बढ़ते नज़र आए। दरमियाना कद और मजबूत जिस्म वाले उन बुज़ुर्ग के चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। मिंबर पर बैठने के बाद बुज़ुर्ग ने अपनी कवि और पुरजोश आवाज़ में वाज का आगाज़ कर दिया। उनके वाज करने का अंदाज़ मुतासिर कुन था। उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, चेहरे के तासुरात और हिकमत से भरपूर कलमात ने हाजिरीन पर सहर तारी कर रखा था। तमाम सिपाही अफसर सालार और दिगर हजरात हमतन गोश होकर वाज सुन रहे थे। अचानक बुज़ुर्ग ने अपने सामने बैठे हुए एक खुश शक्ल और बारिश शख्स को मुखातिब करके फरमाया, ए सुल्तान, ना तेरा इक्तदार कायम रहेगा और ना राजी का तमलक और निफाक बाकी रहेगा। हम सब को अल्लाह के पास वापस जाना होगा। बुज़ुर्ग के उन अल्फाज में कुछ ऐसी तासीर थी कि वो खुश शक्ल शख्स जारो कतार रोने लगा। अपने दिल में खौफ खुदा रखने वाले ये हुक्मरान थे शहाबुद्दीन गौरी, जिनके मुसलसल जिहाद की बदौलत बरसग़ीर पाक व हिंद में ऐसी मजबूत और मुस्तहकम इस्लामी हकूमत कायम हुई जो 600 बरस तक बरकरार रही, और जिन बुज़ुर्गों के वाज के एक जुमले से शहाबुद्दीन गौरी पर गिरिया की कैफियत तारी हो गई थी। वो थे मशहूर मुफस्सिर और आलमी दीन इमाम फ़खरुद्दीन अलराज़ी। वो शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के साथ साथ रहते थे। शहाबुद्दीन गौरी उनसे दीनी रहनुमाई हासिल करते थे। शहाबुद्दीन गौरी का बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले मुलहद फिरकों का बड़ी हद तक किला कमा कर दिया और इंतशार व बदनज़मी दूर करके मुसलमानों में इत्तफाक व इत्तहाद पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसी वसी मुमलिकत इस्लाम कायम कर दी जिसकी हदूद मौजूदा अफगानिस्तान, ईरान के कुछ हिस्सों, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का अहाता करती थी। शहाबुद्दीन गौरी का असल नाम मोहम्मद गौरी है। बचपन में उन्हें शहाबुद्दीन कहा जाता था। जब 569 हिजरी में शहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी ने गजनी फतह किया तो उन्होंने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी का हुक्मरा बना दिया और उन्हें माजुद्दीन का लक्ब दिया। लेकिन तारीख ने माजुद्दीन को शहाबुद्दीन के नाम से याद रखना ज़्यादा पसंद किया, चुनाचे वो अपने इसी नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। गौर के इलाके से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर वो गौरी कहलाते हैं। शहाबुद्दीन दीन का अच्छा इल्म और दिल में ईमान की तड़प रखते थे। उसके साथ साथ इतराफ़ के हालात और मुस्तकबिल पर उनकी नज़र थी। उन्होंने देख लिया था कि मुल्तान के इलाके में करामता की साजिशें बढ़ती जा रही हैं। ये मुलहद लोगों का बड़ा गिरोह था जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आए दिन शोरश बरपा करता रहता था। उससे पहले महमूद गजनवी ने भी करामता के खिलाफ जिहाद किया था, लेकिन महमूद गजनवी के बाद करामता को उभरने का फिर मौका मिल गया। शहाबुद्दीन ने जिहाद का आगाज़ उन्हीं करामता के खिलाफ कार्रवाई से किया। वो लश्कर लेकर मुल्तान पर हमला आवर हुए। करामता ने ज़बरदस्त मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वहां से भागकर उद के किले में महसूर हो गए। मुल्तान 571 हिजरी में फतह हुआ। शहाबुद्दीन ने अपने सालार अली करमाह को मुल्तान का हाकिम मुकर्रर किया, फिर उज पर हमला किया जिसका मौजूदा नाम भावलपुर है। शहाबुद्दीन की फौज ने उज के किले का मुहासरा कर लिया और किला फतह कर लिया गया। इस तरह करामता की शोरशें खासी हद तक कम हो गई। जब शहाबुद्दीन अली करमाह को मुल्तान की हकूमत सौंप कर वापस गजनी चले गए तो गुजरात के इलाके नहरवाला के राजा भीमदेव और करामता ने आपस में साजबाज कर ली और मिलकर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने अली करमाक से मुल्तान का इलाका छीन लिया। ये इत्तला मिलते ही शहाबुद्दीन 573 हिजरी के आखिर में गजनी से रवाना होकर मुल्तान पहुँचे और यहाँ से उन्होंने नहरवाला का रुख किया ताकि राजा भीमदेव को उसकी साजिशों की सज़ा दे। शहाबुद्दीन गौरी गुजरात के सफ़र की मुसीबतों का ठीक तौर पर अंदाज़ा न कर सके। रास्ते में तपता हुआ सहरा था, चुनाचे इस्लामी लश्कर को खासी मुश्किलात पेश आई।
गुजरात के राजा भीमदेव ने जमकर मुकाबला किया। शहाबुद्दीन उस मुहिम में कामयाब न हो सके और उन्हें गजनी लौट आना पड़ा। 1179 ईस्वी में शहाबुद्दीन ने बकराम, पशूर और फसूर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये वो इलाके हैं जहां पिशावर मौजूद है। उससे अगले साल शहाबुद्दीन ने महसूस किया कि गुजरात के राजा की तरफ से करामता को जो इमदाद मिलती है उसकी रोकथाम का तरीका यही है कि सिंध का इलाका फतह किया जाए। चुनाचे शहाबुद्दीन ने जंगी तैयारियां की और 1180 ईस्वी में उनकी सिपाह सिंध के मशहूर शहर दबील पर हमला आवर हुई। ये शहर समंदर के किनारे आबाद था। दबील के साथ साथ शहाबुद्दीन ने दरियाए सिंध के मगरबी किनारे का तमाम इलाका भी फतह कर लिया और दबील में एक मातहत मुकर्रर करके वो वापस चले गए। इस फतह का फ़ायदा ये हुआ कि गुजरात के हाकिम की तरफ से करामता को सिंध के रास्ते इमदाद की फराहमी बंद हो गई। सन 582 हिजरी में शहाबुद्दीन लाहौर पर भी काबिज हो चुके थे। उन्होंने अली करमा को मुल्तान के साथ साथ पंजाब के सूबे की हकूमत भी सौंप दी। अब तकरीबन वो पूरा इलाका शहाबुद्दीन गौरी की कलमरू का हिस्सा बन चुका था जो मौजूदा पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। शहाबुद्दीन देख रहे थे कि हिंदू राजा मुसलसल करामता के साथ साजिशें करके मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं और उन राजाओं ने शुमाली हिंदुस्तान के उस तमाम इलाके पर भी कब्जा कर रखा है जिन्हें महमूद गजनवी ने तस्खीर किया था। इसलिए शहाबुद्दीन ने ज़रूरी समझा कि उन सरपसंद राजाओं के खिलाफ परचम जिहाद बुलंद किया जाए और उनसे जंग करके वो तमाम इलाके वापस ले लिए जाए जहां मुसलमानों की हकूमत थी। इस सिलसिले में पहले कदम के तौर पर शहाबुद्दीन ने 587 हिजरी में बठिंडा पर हमला किया और किला फतह कर लिया। बठिंडा में मुल्क ज़ियाउद्दीन को हाकिम मुकर्रर करके वो गजनी वापस रवाना हुए ही थे कि उन्हें इत्तला मिली कि दिल्ली और अजमेर का राजा पृथ्वीराज बहुत बड़ा लश्कर लेकर बठिंडा वापस हासिल करने के लिए आ रहा है। अगरचे उस वक्त शहाबुद्दीन के पास बहुत थोड़ी फौज थी लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए उन्होंने पृथ्वीराज के लश्कर का मुकाबला करने का फैसला किया। पृथ्वीराज कोई मामूली राजा ना था, वो एक बहादुर और कामयाब सिपाही था। उसकी हकूमत दिल्ली और अजमेर समेत बड़े इलाके पर कायम थी। हिंदुओं के अवामी गीतों में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। फिर उसके साथ फौज भी बहुत बड़ी थी। लेकिन शहाबुद्दीन उन बातों से परेशान नहीं हुए और उन्होंने खुद उस जानिब पेशकदमी शुरू कर दी जिस तरफ से पृथ्वीराज का लश्कर आ रहा था। तराइन के मैदान में दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हो गई। बहुत से मौरखीन ने लिखा है कि तराइन अब तरावड़ी कहलाता है और ये मकाम थानेसर से 14 मील दूर है। दिगर मौरखीन का कहना है कि बठिंडा से 27 मील दूर एक गांव तरावना के नाम से मौजूद है। ख्याल है कि यही तराइन कहलाता है। पृथ्वीराज की फौज क्या थी? लश्करियों का ठाटे मारता समंदर था। 3,000 जंगी हाथियों की मौजूदगी ने उस लश्कर को मजीद खौफनाक बना दिया था। मुकाबला शुरू हुआ, मुसलमान जमकर लड़ रहे थे लेकिन राजपूतों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बहुत से मुसलमान सिपाही शहीद हो गए। शहाबुद्दीन ने अपनी थोड़ी सी फौज समेट कर भरपूर हमला किया और वो दुश्मन की सफ़ों को मर्दाना वार चीरते हुए उस जगह तक जा पहुँचे जहाँ पर पृथ्वीराज का भाई और उनकी फौज का सिपे सालार खांडे राय हाथी पर बड़ी शान से विराजमान थे। शहाबुद्दीन ने नेजा संभाल कर खांडे राय पर हमला किया। नेजे की ज़र्ब इतनी शदीद थी कि खांडे राय के कई दांत टूटकर उसके हल्क में जा गिरे, मगर खांडे राय ने भी संभल कर जवाबी वार किया। शहाबुद्दीन जख्मी हो गए। करीब था कि वो अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ते लेकिन उसी वक्त एक वफादार गुलाम ने गैर मामूली फुर्ती दिखाई और वो चिस्त लगाकर शहाबुद्दीन के घोड़े पर सवार हो गया। एक हाथ से उसने अपने जख्मी सालार को संभाला, दूसरा हाथ बाघ पर रखा और दुश्मन की खून आशाम तलवारों और नेजों की परवाह किए बगैर घोड़े भगा ले गया।
بعد میں اس نے اپنے زخمی آقا کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اگرچہ ترائن کی اس جنگ میں مسلمان کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن مسلمان سپاہیوں کی بے مثال بہادری اور موت سے بے خوفی کی دھاک بیٹھ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرتھوی راج نے ترائن کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہانسی کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، قلعے کے حاکم قاضی ضیاء الدین نے 13 ماہ تک مقابلہ کیا، تب کہیں قلعہ خالی کیا۔ شہاب الدین کو ترائن کے میدان میں کامیابی حاصل نہ کرنے کا بڑا تلخ تھا۔ کچھ عرصہ ان کے زخم مندمل ہونے میں لگ گیا، لیکن اس پورے عرصے میں وہ چوٹ کھائے ہوئے شیر کی طرح بے چین رہے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال تک انہوں نے نیا لباس نہیں پہنا اور ہر قسم کا آرام اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ سال بھر وہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ 588 ہجری میں ایک بار پھر وہ ترائن کی سمت روانہ ہوئے۔ اس بار 120,000 سپاہی ان کے ساتھ تھے، جن میں سواروں کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمانوں کا لشکر جب لاہور پہنچا تو شہاب الدین نے رکن الدین حمزہ کو سفیر کے طور پر اجمیر بھیجا تاکہ وہ پرتھوی راج اور ان کی رعایا کو اسلام کی دعوت دے۔ رکن الدین حمزہ تقریر اچھی کرتے تھے اور بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ شہاب الدین کا یہ طرز عمل ایک مسلمان جرنیل کے شایان شان تھا کہ انہوں نے جنگ چھیڑنے سے قبل حریف کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پرتھوی راج کی جانب سے اس دعوت کے جواب میں سخت جواب دیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے گا۔ پرتھوی راج بھی اس وقت سے جنگی تیاریوں میں مصروف تھا جب سے اسے مسلمانوں کے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے 150 راجاؤں کو مدد کے لیے بلایا تھا، چنانچہ اب اس مشترکہ لشکر میں 300,000 سپاہی موجود تھے۔ گزشتہ جنگ میں کامیابی کے بعد پرتھوی راج نے ترائن کے میدان کو مبارک سمجھ کر اسی میدان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ دریائے سرسوتی کے دونوں کناروں پر دونوں فوجیں خیمہ زن ہو گئی۔ شہاب الدین نے اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر اپنی ایلچیوں کے ذریعے پرتھوی راج اور اس کی رعایا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن مخالف سمت سے نامی جواب موصول ہوا۔ شہاب الدین دیکھ رہے تھے کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ بالکل نہ گھبرائے۔ انہوں نے اس جنگ میں غیر معمولی سوجھ بوجھ اور حکمت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ پہلے ایک حصہ حملہ کرے اور پھر پسپائی اختیار کرے، دشمن جوش میں آگے بڑھتا جائے گا، پھر اشارہ ملتے ہی دوسرا حصہ حملہ آور ہو جائے۔ ایک اور جرات مندانہ اقدام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی فوج کو راتوں رات دریا پار کروا دیا۔ صبح کو پرتھوی راج کے سپاہی ابھی پوری طرح ہوشیار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ نعرائے تکبیر کی گونج سے ترائن کا میدانی جنگ لرزا اٹھا۔ پرتھوی راج نے فوج کو ہنگامی بنیادوں پر منظم ہونے کا حکم دیا اور جلدی ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ دشمن کے ہاتھیوں کی جھولوں میں آئینے لگے ہوئے تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھی۔ ہاتھیوں کے چنگھاڑنے، گھوڑوں کی ٹاپوں اور زخمی انسانوں کی آہ و بقا سے میدان جنگ گونج رہا تھا۔